15 नवंबर को हम लोग कर रहे हैं मीटअप तुलसी फार्म पर 4 बजे। सब आइए 15 नवंबर को। मैं, पायल, हमारी पूरी फैमिली मिलेंगी और बहुत सारी मस्ती करेंगे। नचंगे सारी रात। कोई जवाब नहीं। चीकू खाएगा। ब्यूटीफुल इंग्लिश आई स्पीक। बुमूड़ा उड़ गया देखियो। मैंने कभी चूल्हे पे ना खाना नहीं बनाया। चूल्हे पे ना मैगी बनाएंगे। पहली बार बना रही हूँ मैं चूल्हे पे चाय। वाह भैया, धनिया की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ऐसे सूंघ। हाँ, चाय, मेरी चाय की खुशबू आ रही है यहाँ तक। चाय बन गई गांव वालों। रखने भी नहीं दिया। अब उसके मुंह से खोस लगा। पागल है, आग लग जाएगी। दादू मैगी मैगी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया। मुझे नहीं पता क्या बनने वाला है। जल गई सारी नीचे से। ओहो क्या बात है। तुझे शर्म नहीं है? सच में शर्म नहीं है, बताऊं क्यों? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सब भी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी का व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 12 बजे, क्योंकि हमारा जो जैद बेटा है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये सो नहीं रहा, ये कह रहा है मैं जगूंगा ना चंगे सारी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो जैसे मैं और गोलू कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, वही सेम क्रीम जो गोलू यूज करती है। गोलू को एक्ने की प्रॉब्लम रहती थी, तो जो गोलू का अब एक्ने नहीं होते हैं, तो हम वही क्रीम इस लड़की को दे रहे हैं। इसके फेस पे आप देख सकते हो कितने एक्ने हैं। तो 1 महीने तक ये जो है उस क्रीम को यूज करेगी, फिर आपको अपना चेहरा दिखाएगी और फिर आपको फर्क पता लगेगा। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। तो गाइस, कल की जो शॉपिंग है उसकी हालत तो देख लो। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम शॉपिंग को सेट करके अलमारी में लगा पाए। और गाइस पता है, कल ना बच्चों की नानी नहीं आई थी, मतलब रात को, तो बच्चों ने बिल्कुल भी ना टच और तंग नहीं करा। सबसे पहले अयान सोया, फिर तूबा सोई, फिर जैद सोया। जैद ने थोड़ा सा नाटक करा बट सो गया। फिर उसके बाद 4:30 बजे तूबा उठी, 5:30 बजे जैद उठा, और अभी जब चीकू को मैं रेडी कर रही थी 7 बजे के करीब अयान उठा। अब दोबारा 3 लोग सो गए। यहाँ पे जो है ना गोलू बना रही है बच्चों के लिए देसी घी में खिचड़ी और गोलू के हाथ की खिचड़ी। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाती है, भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि बच्चों के लिए बनती है ना वो, और बोलती है माँ के हाथ में स्वाद होता है। तो जैसे मैंने सुबह बोला था चीकू के, जब मैं लंच बना रही थी, कि माँ के हाथ में स्वाद होता है ना बच्चा पूरा लंच। वैसे ना ये बात है, मैं ना आपको ना सच बोल रही हूँ, ये नहीं है। भगवान की कसम मैं परांठा खाती थी मम्मी के हाथ का, इतना टेस्टी लगता था, मेरा मन करता था एक दो। और जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम था, पायल ही परांठे बनाती। मैं पायल तू सब कुछ कर ले, परांठे सेक तू, क्योंकि पायल जो परांठा सेकती थी ना, मेरा परांठा फ्लैट रहता था, पर तेरा परांठा ना ऐसे फूला फूला है, ऐसे रोटी फूलती है, बहुत टेस्टी। तू कभी परांठे की रेसिपी दियो सिंपल। तो हम लोग ना बच्चों के लिए ना ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट यूज कर रहे हैं, और ना बोलते हैं कि नमक नहीं देना चाहिए, बट मैं ना सिर्फ और सिर्फ ना टेस्ट के लिए हल्का सा डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं आएगा ना बच्चे नहीं खाते, सिर्फ टेस्ट के लिए। तो इसमें कुछ नहीं डाला, घी है, हल्दी है, रॉक सॉल्ट है, और वो है हींग बस। तो गाइस इस कमरे के ना मैं लाइट नहीं जला सकती, क्योंकि यहाँ पे सो रहे हैं तीनों बच्चे, नहा धो के ना सो गए हैं। खिचड़ी बन रही है, जब भी उठेंगे तो उनको फ्रेश खिचड़ी खिला देंगे। तो अभी जो है ना, हम जो कल शॉपिंग करके आए थे वो मैंने सारी सेट कर दी है, सब जगह पे लगा दी है। हेलो, गुड आफ्टरनून, आपके लिए खिची खिची बनाई है। कौन खाएगा? चैट खाएगा, खिची खाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने रखे अपने महंगे वाले पर्स, महंगे वाले शूज, यहाँ पे सारी रखी हमने हील्स, और इधर मैंने रखी सारी फ्लैट्स, बस यही है अपना। तो गाइस अभी बज गए 2:30, और मैं और पायल जा रहे हैं फार्म पर हमारे बच्चों से मिलने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पर हमारा रियो है, स्टीफन है, सबसे मिलेंगे, सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। मैं, पायल, चीकू फार्म पर। मेरे को ना एक घर के लिए चाहिए और एक मुझे चाहिए, हमारे पास तोते हैं उनके लिए। आपको बनाना लेना ना, एक किलो की नहीं, एक दर्जन होता है, एक दर्जन बनाना भी देना। तोते अमरूद खाते हैं? खाते हैं। हाँ, अमरूद भी दे देना एक किलो। चीकू चीकू खाएगा? भाई चीकू खाते हैं वो? कौन? अपने तोते चीकू भी खाते हैं, तो चीकू भी ले लेती हूँ बढ़िया। तो गाइस हम लोग आ गए फार्म, और आते ना रियो जो है ना, रियो बहुत ज्यादा गुस्से में। नोबडी टच यू, ही ओनली टच यू। वेरी मच टू मच ब्यूटीफुल इंग्लिश आई स्पीक। ये है स्टीफन, स्टीफन डेजी मैंने नाम रखा, पहले क्या था? स्टेफन। पहले स्टेफन, पर ये लड़की है और जो रियो है वो लड़का है, तो ये छोटी सी लड़की है, और ना बहुत ज्यादा ये खुश है पायल तेरे ऊपर ना। तो मजा से जीप क्या वो काटती थोड़ी है। नहीं, मैं डर गई ना अचानक से, ले प्यार की जीप कितनी मोटी ना, जीप इनकी बिल्कुल हमारे जैसी है ऐसी। कालू भैया ये बोल रहे थे कि ना सुबह सुबह ना बोल रहे अरुण उठ जा अरुण जा, तो ये अरुण बोल रहे थे, तो इसका मतलब अगर इनको ट्रेनिंग देंगे ना तो हमारा नाम लेने लग जाएंगे। यहाँ पर मैंने कल छोटे छोटे बच्चे रख दिए, वो थी मैगी, वो भूख लग रही, साथ में ये भी बोकल लग रहे उसके। बताओ दोनों मियाँ क्या हो गया आपको, कहाँ पे चोटू लगी आपको? एक्चुअली ना किट्टू, किट्टू, और ये इसको पैर में चोट लगी है, और ये बहुत ज्यादा शैतान है, तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि देखो मेरे को वैक्सीनेशन नहीं हो रखी है, तो अभी जब ठीक हो जाएगी, इसको वैक्सीन हो जाएगा, तब मैं इसको हाथ लगाऊंगी।
वैसे एक चीज है वैसे, मतलब कि ना जो तोते होते हैं मिर्ची खाते हैं, बताओ यार इनको मिर्ची नहीं लगती, समझ नहीं आता ऐसा क्यों। ये रहा इनका खाना, मैं ये लिया। तो लिया ही, क्या लिया ये? ये लाई हूँ मैं इनके सीड्स और भीगे हुए चने। चने ठीक है, दे दे। आ जाओ भाई, ये वाले जो हमारे पास है ना, ये बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। इधर से नहीं, इधर से रास्ता मुझे पूरी लगाई इधर से जा रहे पायल। अच्छा हुआ तुम चली, मैं तो पीछे पीछे पार के बैठ निकल लेती, मैं तो फंस जाती गेट में। गाइस हमारे बर्ड्स के लिए बहुत सुंदर घर बनाया है हमने, बहुत ही ज्यादा सुंदर भाई। यहाँ पे ना वो लकड़ी वकड़ी पौधे वौधे सब वो सब घास वास करना। बेटा मैं अंदर देखो तो सही कितना सामान ले गया। भैया एक बात बताओ, यहाँ पे खुले रहेंगे? हाँ खुले रहेंगे। और फिर ये जो यहाँ पर बड़े, सुनो यहाँ पर तो बड़े, यहाँ जो हमारे बड़े वाले इसके अंदर है ना पूरा एक बना दिया मैंने, ऊपर का भी एक बना दिया। इस डब्बों के अंदर छोटे रहेंगे, इसमें छोटे इनको खाना देंगे, कैसे निकालेंगे इसको? पीछे गेट लग गए। अच्छा अच्छा, तो ये हम सारा सामान ले गए हैं। ये लैंटर देखो चिड़ियों के लिए, वाओ बड़ा सुंदर है भैया। अरे वाओ भैया ये तो बड़े सुंदर चीजें लाए हो। ये भी देखो छोटी छोटी बड़ी सुंदर, ये कहाँ लगाएंगे? घर के अंदर चिड़िया घुसेंगी इनके अंदर? वाओ सुंदर से लाते हैं। इसके अंदर ना दाना डाल के ऐसे टंग जाएंगे, बहुत बढ़िया है ना। कहाँ से लाए हो बड़ा मस्त सामान लाए हो? ये ही पूरा आगे वो है। अच्छा तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, स्टाफ के लिए रोटी बन चुकी है, मोटी मोटी रोटी बन रही है हमारे डॉग्स के लिए, क्योंकि हमारे डॉग्स भी खाते हैं ना साथ में रोटी। और अभी जो है ना हमने वो वाला चूल्हा जो पहले चूल्हा था ना वो तोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे ना मतलब डॉग्स बाहर घूमते थे ना, वहाँ पे शिट विट कर दी थी, तो हमने वो चूल्हा हटा दिया है। अब जो है ना हम नया एक लोहे का चूल्हा जो घर से आया था ना उस पे बनाएंगे हम चाय बाहर सबके लिए। अलमारी कब लाए? ये अलमारी मेरे को हो गया 10 दिन लाए। सही है भाई, और क्या, बच्चों ने अपने कपड़े भी मस्त सेट करे हुए हैं, अच्छी लग रही है। जब से कालू भी आए ना तो हमारे जो फार्म का माहौल है ना सारा चेंज हो गया, और आने वाले टाइम में ना बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। बहुत ही बोलो। हाँ पायल मेरी बात सुनिए, थोड़ा सेट कर दे, कितना गंदा लग रहा है। ठीक है सब चीजें ढक के देती हूँ। भैया डॉग्स के बोते तो मुझे पतीले में इनको खाना बना देती हूँ सबको। भैया ये आटा सम्राट को दे सकते हैं? हाँ सम्राट को तूड़ी में डाल दे, ये तूड़ी में डाल दे प्लीज, वेस्ट नहीं होगा ना। एक एक रोटी पाल, हाँ एक एक डाल दे, छोटी छोटी टुकड़े ना बिल्कुल। हाँ रात को फिर एक बार होगा ना, तो अभी एक है, हमसे पहले एक बार खा चुके हैं ना, अब हम खिला के जाएंगे, फिर भैया आप खिलाओगे रात को? हाँ वो जो रोटी है ना उधर बनी है। ये फीड भी डाल देना सब। हाँ भैया फीड भी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे। राजा रानी का ये बड़ा वाला है ना? हाँ राजा रानी के बड़े, दो बड़े वाले वो उधर वाले। हाँ, ये किसके है? ये इधर वाले डॉग के। ठीक हाँ, सब में एक एक रोटी। हाँ, सब में एक एक रोटी, रोटी तो मोटी है भैया। रोटी राजा रानी में थोड़े वो बड़े हैं, उनके लिए थोड़ा उनके डेढ़ 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 डेढ़। हाँ बड़े हैं ना। एक काम कर पाओ राजा रानी का बना दे, डेढ़ डेढ़ रोटी। ठीक है मैं कर दूँ। तो गाइस अभी ना इतना जो है इतने पतीले ही हमारे पास, तो अभी इतना बना के खिला देती हूँ, फिर दूसरी बारी में दूसरा बना के खिला दूँ। हमारे पास में 15 डॉग हैं। एक कटोरी दे देते ना, उसका अंदाजा हो जाता है, और मुट्ठी से भी होता है। इसमें बिल्ली का करती है, छोटे बच्चों का दूध है। ठीक है भैया इसमें वो डाल। बोलो किट्टी के लिए इतना बहुत है? बहुत है, बहुत है, इतना छोटी सी है ना। हाँ बहुत है, ये ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं बहुत, पेट ना खराब हो जाए ना उसका। हाँ। बच्चों को भी दूध, ये बच्चों का है ना? हाँ जी छोटे वाले का। और किट्टी सूखा खाती है? किट्टी में दूध डालूंगी ना। अच्छा बस बस इसमें डाल दू? नहीं नहीं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स, पानी डाल दो, पानी पानी पानी, वो पेट खराब हो जाएगा, बच्चे है ना छोटे छोटे। आप अपने अंदाजे से बताना मुझे। हाँ डालो बस, वो डाल दो, वो डाल दो बस, फीड और डाल दो। हाँ, इनमें पानी डाल के आधा आधा घंटा छोड़ दो। अच्छा आधा घंटा ताकि फूल जाए। फूल जाएगा। ठीक है बोलो, एक काम करते हैं इनको यहीं रहने देते हैं आधे घंटे ना, उसको भीगने देते हैं अच्छे से, तब तक मैं आप लोगों के लिए सबके लिए चाय बना देती हूँ। चलो ठीक है। चलो खाओ। ओए बम्बूड़ा उड़ गया, देखियो खाना हाथ नीचे कर रही है। देखो हां ये लोहे का है ना भैया, लठूरा लग गया मेरे। अरे पायल तेरे तेरे आवाज से आ गए ये भी यार, ये सॉरी आ गए। ओए डॉक्टर आ रहे उनको, इधर आ बेटे, पकड़ पकड़ के दिखा पायल तेरे को मान जाऊंगा। एक बार रुक तो जाओ बच्चों, गेट खुलाओ भैया, गेट बंद करो। नहीं 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 जाओ, तो इनके जाओ नहीं, उनके अंडे को लग जाएगी, तो बाहर निकालो भैया, बाहर निकालो उनके अंडे लग जाएंगे। इनको तो दे दो, आओ आओ तो करूं मैं इनको, इनको आओ आओ तो करूंगी मैं, आओ 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 भैया पता कर रहा से मेरे को तो डर लग रहा है। रहने दो भैया, रहने दो, देखो देखो कितने गुस्से में है। रहने दो भैया, क्या दूं इनको पाल, क्या दूं इनको? ये दाना मिक्स करके, हां मिक्स कर दो। चलो आओ 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 हेलो तेरा मुंह, तेरा मुंह बेच लो, मैं छोड़े
गोलू से मुंह मैच हो रहा है। आग जल चुकी है गोलू, चाय बना देती हूँ। यार मेरा बड़ा मन है, मैंने कभी चूल्हे पे ना खाना नहीं बनाया, चाय मतलब कभी कुछ बनाया नहीं। मैं एक काम करती हूँ, तू बच्चों को देख ले बाकी, मैं चाय बना देती हूँ। बस इसको सिम कैसे करना बता दे। पिछली बार भी समझाया था सिम नहीं होता है, अगर सिम करना हो तो लकड़ी बाहर निकाल दो बस। तू जब सिम करना हो तू आ जाइए, मेरे को आता नहीं ना करना। टोंग है टोंग बाबी, इसमें चाय बनाओगे? हाँ, हाँ, सब्जी है। तो क्या हुआ गाँव में ना, इसको पता क्या बोलते हैं गोलू, पता क्या पता है? पतीला, देगची, सबके लिए बनानी है चाय। और किसी दिन पाल चूल्हे पे ना मैगी बनाएंगे, चूल्हे वाली मैगी। आज बनाए चूल्हे वाली मैगी, किस किस को खानी है? मैगी रखी है, मैगी मैं ला रखी है। किस किस को खानी है? मैगी खाओगे पाजी? आप भी सारे खाएंगे? सूरज भैया आप भी खाओगी? आज पाजी की एनिवर्सरी भी है ना। हाँ, और शादी सालगिरह। हैप्पी एनिवर्सरी। तो मेरे पास आ गई है हमारी संडे, संडे हो या मंडे रोज खाएंगे पेडिग्री। और यार इसकी इसके ऐसे टीका सा लग रखा है ना, देख व्हाइट। अच्छा इसकी माँ मर गई है, इसको छोड़ के ये रात को ना 2 बजे माँ हमारे पास नहीं आई, रो रही थी, कांप रही थी। संडे चीकू, संडे संडे इज द मंडे, संडी आई संडी, छोटी सी संडे। मेरे को बहुत पसंद है। आपको पसंद है? अरे कितना फालू है ये। पायल पानी उबल के मैं अदरक चाय चीनी लेके आई। पायल चीनी तो डाल लो तुम, वैसे आ गए हो, चीनी ना पत्ती। मेडिकल बॉक्स में चीनी कौन रखता है? बंदे को पता ना चले चीनी है। अरे मैंने ना घर से बहुत सारा सामान भिजवाया था, ये बिल्कुल फ्रेश है गाइस। ये मत बोलना कि मेडिकल दवाई निकाल के इसमें वो डाला, नहीं ये बिल्कुल फ्रेश था हमारे घर पे। और ये मैंने बहुत सारा सामान, हमारे घर में ना हमें स्टार्टिंग से आदत है कि ना 2-4 चीजें एक्स्ट्रा रख के रखने की। बस अभी ज्यादा पत्ती है। अरे भैया चाय हमको बता रहे हो, मैंने चाय बनाई है सिर्फ बचपन से। कड़वी कड़वी हो रही है, चीनी डाल दी अभी? नहीं अभी मैं चीनी डाली, पहले पत्ती उबल जाए फिर डालती। ये वही कबूतर के बच्चे, जो हमारे घर पे कबूतर ने बच्चे दिए थे ना, कालू भैया ने बहुत अच्छे से इनका इतना अच्छा इलाज किया है, और इससे जो है ये फीड लेते हैं। देखो अभी इनको फीड करवा देते हैं। कालू ये है क्या खाना, मुझे सिखा दो आप। हाँ, इसके ऊपर डाल के मुंह में पूरा बीच दे, इसके अंदर डाल तो दे बेटा, ले पकड़, मुझे सिखाओ। कालू ये है क्या मुझे बताओ ना, ये कबूतर के बच्चे है? नहीं ये फीड है, मुझे एक अच्छा फीड है, यही तो पूछ रही हूँ। ये कालू भैया ने जुगाड़ बनाया। वाओ यार, कालू भैया कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ये आ गया, दाना आ गया, लगा देख। चीनी स्वाद अनुसार। चलो वेट एंड वॉच। पहली बार बना रही हूँ मैं चूल्हे पे चाय। वाह वैसे ना सही बात है, चूल्हे का मजा ना सर्दियों में है कि बंदे को ठंड भी ना लगे, सामने सामने आ गए आराम से बैठो। सूरज भैया ये क्या कर रहे हो? घोड़े पे सवार करना सिखा रहे हो। अच्छा दोस्त बना रहे हैं, देखो मोती का और सम्राट का दोस्त आना करवा रहे हैं। वो फिल्म थी ना मर्द वाली, उसमें सब दोस्त होते हैं, घोड़ा और कुत्ता। मोती को डर लग रहा है भैया, मोती फिसल रहा है। यार ये कितना प्यारा चीज बनाई ना देखो, अब सही है भैया ने कितनी प्यारी चीज बनाई है ना सम्राट के लिए, पूरा आराम से घूमता रहेगा। बुल्ला डुल्ला, ये खुशबू भैया धनिया की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। कैसी आ रही है? उधर से आ रही है। मैं धनिया लेके आती हूँ, चटनी बनाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। ये इससे ना मैं एक चीज फील करना चाहती हूँ कि जो फील मैंने किया वो ये करती है कि नहीं। क्या यहाँ पे खड़ी हो? सूंघ, ऐसे सूंघ, कुछ सुगाई दे रहा है? हाँ क्या हवा की नेचुरल नेचुरलिटी मट्टी और फिर ध्यान ध्यान लगा के भाभी ध्यान लगा के देखे ऐसे जैसे कोई बहुत ही अच्छी सी चीज है। हाँ चाय, मेरी चाय की खुशबू आ रही यहाँ तक। हाँ आ रही है, हो फिर दे तुम। हिंट दे दे, हिंट। पत्ती है कोई? चाय की पत्ती नहीं, हरी पत्ती है कोई जो बहुत अच्छी लगती है सूंघने में। पालक, पालक में खुशबू आती है? पास पास बिल्कुल पास जा रही है, बिल्कुल पास है, हरी खुशबू आती है, उसकी चटनी बनती है बहुत टेस्ट लगती है। थोड़ा सा बिल्कुल पास आई, बिल्कुल पास। धनिया, धनिया, धनिया की खुशबू आ रही है। मेरा नाक खराब था, अब तेरी चाय की आ रही है भगवान की कसम, अब इसकी चाय की आ रही है। भैया यार मेरा नाक ना फैल हो गया, चाय वेस्ट हो जाएगी, मेरा नाक फैल हो गया। आ तो जा सम्राट, जब बड़ी बड़ा होएगा ना तब मैं इसके पास आऊंगी, छोटे बच्चों को मैं तंग नहीं करती। मैं साउंड दे रही हूँ भैया, देखो मेरे साउंड में चल रहा है। अंदर तो आजा, पायल डरपोक है। देखो घोड़े से बाबू चैलेंज मिल गया, ये तो मैं कुत्ते से दोस्ती कर सकती हूँ, बंदर से करती हूँ, बिल्ली से करती हूँ, बतख से करती हूँ, खरगोश से करती हूँ, सबसे करती हूँ, घोड़े से दोस्ती नहीं। घोड़े नीचे, घोड़े ऐसे करके लात मारते, ये लात नहीं मारता, नहीं मारता, तेरे को कसम है इसकी। घोड़े से दोस्ती नहीं करूंगी, इसकी कसम है, घोड़े से दोस्ती नहीं करूंगी। जब मैं इससे दोस्ती तब करूंगी जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सम्राट इधर आ जा बेटा, आ जा देखो। हाँ अंदर नहीं जा रही।
गुठली बहुत है। चलो चाय बना लेते हैं। ऐसे तो मैं प्यार कर लेती हूँ उससे, ऐसे नहीं डर लगता मुझे। देखो ऐसे तो मैं प्यार करती हूँ। फिर लात का मारता है वो पीछे की तरफ। मैं जाऊँगी। नहीं मारता बेटा, मुझे लात मारे। अभी मैं सिखा रहा हूँ इसको। ऐसे तो मैं प्यार कर लेती हूँ। शीट कर दे, पैर ऊपर कर, पैर ऊपर देख ले, चक दिया ना। सिखा रहा हूँ बेटा मैं इसको, पैर ऊपर उठाना कैसे है। चल चल बेटा। अरे चाय उबलनी नहीं है, इसको ऑन कैसे तेज कैसे करती है? इसमें लकड़ी डालो और है? वो लकड़ी डालो। मेरे को वही नहीं आ रहा करना। इसमें डाल दो बस। ये चाय पे मत कर दे, इधर कर ले इसको। नहीं नहीं मैं अपने पकड़ा हूं। नहीं छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ नहीं। चाय को सिम नहीं करते, इसमें ढक्कन रख दे, फिर उबलेगी। ये उबलने वाली है, चाय उबलने वाली है। इसको अंदर कर रहे थे चाय छो। मैं कबूतर पकड़ने जा रही थी, चाय उबलने वाली मेरी। अब इसको सिम कैसे करूं? फिर लकड़ी बस इसको बाहर निकालनी पड़ी लकड़ी। क्या चक्कर में चाय उबल जाएगी गोलर। अरे उबल गई उबल गई, इसको बाहर कैसे निकालूं? थोड़ा पीछे कर दो ये कड़छी से, हिला देना जो ज्यादा बाहर आए तो। उबल गई उबल गई उबल गई। आगे जल्दी करो। पीछे पानी नहीं, पानी बन। ये क्या कर रहे हो? निकले नहीं गिरी। अरे इसको हिला दो ना। नहीं नहीं निकलेगी नहीं। हिला दो पानी। वो कपड़ा लेके लकड़ी पीछे करो। नहीं वैसे एक बात है भैया, चूल्हे पे मेहनत होती है ना। जो जिस बंदे को भैया काम करना आता है ना, वही अच्छे से काम कर सकता है। मेरे जैसा नाड़ी किचन में काम कर सकता है। मेरे को किचन में कुछ भी काम करा लो। गाँव वालों चाय बन गई। गाँव वालों मेरे घर में आ जाओ चाय पीने, बिस्किट भी दूंगी। मैगी को देखना कितनी खुश हो रही है। मैगी वो भागी वो करते। गाँव वालों शहर में, शहर गाँव वालों आ जाओ चाय बन गई। नहीं नहीं चल ले धनिया लाई हूँ। मैगी धनिया पैंट निकल गई। मैगी धनिया। चलो भाई चाय बन गई है, चाय डाल देते। पर तू डाल दे चाय, तू डाल दे, मैं तो चटनी बनाऊंगी सबके लिए। वो देख चैनल के बाकी मैगी भाग गई। मैगी पागल की हो रही है। पार यार गिर जाएगी। गिरा यू मच्छी को जो कर गोलू। रहने दे तू, रहने दे रहने दे रहने दे गोलू रहने दे। नहीं गिरी ऐसी हूँ मैं। गिरने लगी चाहे नीचे नीचे देखो। आप थोड़ी बहुत तो गिरेगी, कोई बात नहीं। गिरा गिरा के तो सीखेगी तू। गिर गिर के तो पर मेरे मेरे अंदर एक चीज है, मैं कभी भी किसी चीज के लिए ना ना नहीं करती, ना नहीं करती। चलो भैया चाय ले लो, है शाम की ट्रेन में नहीं देते। चाय 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 गरम। हाँ जी 10 रुपए पीस। 100 रुपए का कप लूंगी, कृतिका मलिक ने बनाया। 100 रुपए का कप लूंगी, कृतिका मलिक ने बनाया। ये नहीं कह रही 100 रुपए का कप दूंगी, कृतिका मलिक ने। 100 रुपए दे। What is this? आंटी चाय। ले तेरी चाय। आंटी चाय। तेरी साइकिल सही चल रही है? तेरी साइकिल पे सारे घूमते हैं। ये तो देखिए राशन लेके आए मंडी में जाके। मेरा राशन। चीनी तो डाली नहीं मैंने, होटल वाली चाय बनाई है, बाद में चीनी मिलती है प्लीज। ओके क्योंकि आपकी जो चीनी थी ना वो फर्स्ट एड बॉक्स में रही। नहीं 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 मैंने चीनी डाली है, बट ना मैंने चीनी ज्यादा इसलिए डाली क्योंकि देखो सबका अपना अपना अनुसार होता है स्वाद के हिसाब से। हाँ टेस्ट होता है, तो मैं नहीं चाहती ना बोर को अंदाज होता है। जिसको चीनी चाहिए, जिसको चीनी चाहिए मुँह में चीनी रखो और चाय पी लो। वो देख कहाँ गया। अरे आधा घंटा हो गया भैया, इनकी फीट फूक गई होगी, फूल गई होगी, फूल गई होगी, फूल। ये चाय पे के इनको फीट देते हैं। हाँ अब बताओ गैस चल रही है, क्या बनाना है? मैं सोच रही हूँ मैगी बना दूँ। गैस चूल्हा नहीं बोल रही, आदत नहीं है ना चूल्हा को। मैगी बनाने, मैगी बनाते हैं। मैगी खानी है, किस किस को खानी है? Yes. ये सबने देखो पहाड़ों वाली मैगी खाई, आज हम बनाएंगे चूल्हे वाली चूल्हे वाली मैगी, फार्म बोर्ड प्लस चूल्हा मैगी। दोस्त मेरे साथ चलिए, मेरा रबड़ खो गया वहाँ से भाग के आ रही थी। ये ले मेरा। ये क्या? नहीं मेरा है, कोई बात नहीं मैं भागूंगी नहीं तेरे लिए, मैं आराम से बैठूंगी, तू मेरा ले ले। मैं ऐसे बाल खोल के, बाल खोल के। ये पीछे रस्सी पड़ी है बेटा। चलो भैया मैगी बनाते हैं। वो नींबू तोड़ने गई है 100% नींबू लग रहे हैं। क्या तोड़ रही है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टेटमेंट बना रही थी, रस्सी टूट गई थी। पूरी आ जाएगी है अंदर, अंदर रबड़ पड़ी है। ये किस चीज का पेड़ है? ये नींबू का, नींबू लगे हुए हैं। क्या नींबू? अभी दिखा। अरे भैया मुझे बोलते हैं 100% ना नींबू तोड़ोगे, इनको ये नहीं पता मेरे सामने नींबू का पेड़ है, तब भी नहीं तोड़ती, मुझे पता ही नहीं होता। इसके सामने यहाँ भी नींबू होगा ना, इसको नींबू दिखेगा नहीं। ये नींबू थोड़ी, तो संतरा है भैया। अरे नींबू का संतरा बन गया बेटा ये, इतना बड़ा संतरा। ये लग रहा है नीचे वो लगे हुए। हाँ कच्चे हैं लेकिन अभी ना, ये कच्चे छोड़ते नहीं है, खा जाते हैं। ये उक्का पीते हो आप? नहीं। तो ये किसका है? अच्छा ये उन भैया का है ना। सिलवट्टा चटनी बनानी है। वो सिलवट्टा क्या होता है? सिलवट्टा नहीं पता? नहीं पता। पत्थर उसके ऊपर ऐसे। अच्छा हमारे वो कुंडी छोटा कहते हैं। वो कुंडी छोटा तो ये होता है, सिलवट्टा ये होता है। पता है हमारे यहाँ तो होता भी नहीं, तब भी पता है कुंडी छोटा। ऐसे करके मिर्ची मारते हैं सब, मिर्ची तो करते हैं वो मूवी में देखा है। हो गया ये सारा, हो गया।
बड़े वाले, मैं बड़ो वालों को दे रही हूँ मैगी। तो भैया मैगी इतनी चलाक है, अंदर खाना बना के रखा हुआ था हमने। मैगी वहाँ पीछे खेल रही थी, हमें पता नहीं चला कब में जाके वो अंदर घुमा दे। खाना खा के आई है, खाना खा के आ गई अंदर। चलो चलो बच्चों, दूध का है, बच्चों को थोड़ी दे रही हूँ, बड़ों को दे रही हूँ। मेरे सारे तो बड़े ही बच्चे होते हैं, शांति को दे। ले शांति, शक्ति है मोती, गुस्सा को कर ले तू, कुछ नहीं करना उसको। दे गुरु वहाँ पे मॉल क्यों रहे, ये तो बिल्ली का है। गाइस एक बहुत ना एक बहुत हैप्पी चीज है। हैप्पी चीज क्या है, हमारा जो दिलेर है ना जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था उसके पैर पे, उसको आज रिलीज कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ना दिलेर के साथ ना मतलब दिलेर को देख के मैं बहुत ज्यादा रोई थी। अंदर रहो, चलो भाई लो दूध वाला खाओ आप लोग। चलो जी एक और भी है क्या, वो पैर तो बाहर निकाल ले। क्या करे छोटा सा तो है वो, पैर अंदर रख के खा रहे हैं। चलो जल्दबाजी मत करो, मैगी अंदर ही खाया ही। मैगी इसमें मुंह मार के आएगी मैगी। मैगी का खाना क्या, मैगी का अच्छा इनका ये तो देख लो छोटे बच्चे का, अंदर तकिया तुकिया लगा के फुल रेडी कर रखे हमने। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बोलो अच्छा जय दयान तुम का टॉपर। एक दो लेके आए थे ना येलो और एक पिंक, एक घर पे कोई नहीं अभी बच्चे का, वो तो कोई नहीं पता नहीं चलता सामान कब से कहाँ पहुँच जाता है हमारे घर का। तू आजा चीको इधर भैया, मेरे को मैंने ऐसे सुना है कि ये काटता है तो इसको मैं नहीं दे रही आप। चल चल मैं हूँ, नहीं काटेगी ये, तीछी आंखों से देखता है। चलो आजा राजा रानी को और देख के आते हैं, राजा रानी तो खुश हो जाएंगे। राजा रानी, अब राजा रानी भोगने लग जाएंगे, अब आपको हमारी आवाज नहीं आएगी, इनकी आएगी। चलो भाई आ बेटी, ये ले बच्चा खा ले, ले ओ राजा इस तरफ आओ, राजा राजा इधर आओ, राजा उधर देखो रहा पागल क्यों अंदर। ओ ये ऐसे कैसे खा रहा है, इसके ना शांति नहीं है इसके, ये बड़ा बदतमीज है, बड़ा बदतमीज है सारा। ये देख ले बिल्कुल प्यार से खा, ये ना बेसब्र है, बेसब्रा बेसब्रा, ये सच में बेसब्रा है, रखने भी नहीं दिया। चलो अच्छा हमारा ऑफिस तो देखे, ऑफिस में तो मैं आई हूँ। नहीं अभी हमने ऑलरेडी कर दिया, लाइट तो है अंदर से हमने बंद कर रखी है ऑफिस में ना। हाँ ऑफिस में ये पीछे वो है ना तबेला, उसका वो आ रहा है यहाँ पे ना, प्रेगनेंस रखो। देखियो ऑफिस में भाई हम रात को पानी पीते हैं इसमें, देख लो बच्चे की बोतल देख ले पतीला, इसे खा के फ्री बैठा। बर्तन धोने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बर्तन ऐसे चाट जाते हैं, इसे नहीं खाया ये मस्ती में खाता है, सूखा खाता। मुझे बता देते पहले, कोई नहीं ना सारे मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाता है, एकदम खत्ता नहीं, अलग अलग रखने पड़ते हैं ना अपने ऑपरेशन। चलो उसको वो सेब और वो दे दूं, बिल्ली को दूध दे दो, बिल्ली को बिल्ली का दूध दे दिया भैया, कहाँ बिल्ली का बाहर रखा दूध। ओला बेटा वो बोल रही है मेरे को, पायल पायल सबने खाना खाए सिर्फ भूरा को छोड़ के, अलग अलग टाइप में खाता है, सूखा गीला बिस्किट सारे अलग अलग वैरायटी। भैया अभी रुक जाओ, ये तो जा ही रहा है, ले लो मैं आऊं। दूध आ गया बेटा, पायल मैं चाहती हूँ खुद की खेती अपने सामने सामने अपनी आंखों के सामने करें। मैं ये बोलती हूँ मैं एक नया फूल और पौधा उगाना चाहती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ना अलग दुनिया में ऐसा हो कि सिर्फ मैंने ही उगाया और किसी ने नहीं उगाया, उसका नाम मैं रखूंगी गोलू। और उस पौधे को मैं कैसे उगाऊंगी मैंने सोच लिया, जितने भी सारे बीज आएंगे सबको एक एक बीज निकालूंगी, सबको मिक्स करके एक में डाल दूंगी, देखती हूँ क्या उगते हैं, कैसे लगाएगी। तो वो सब तो अलग अलग ही उगेगा। नहीं नहीं एक सबको मिक्स करके एक में डालूंगी ना, मिक्स करके भी तो अलग अलग कूट के डाल दूंगी। हां ये अच्छा ऐसे नहीं कूट के उसे गोला बना के फिर दो हाथ करते, एक बार दुनिया में वो जाएगा कि यार ये भी चीज, ये भी चीज कुछ होगा तो मतलब अगर को वो चीज बिक गई ना फिर मैं उसको बेचूंगी, बिजनेस करेंगे, बिजनेस माइंड लड़के। साइन कर दें एग्रीमेंट पे, तीन डाले दीदी बहुत आज ले आओ प्याज टमाटर लाओ, तो मैं काट ले हाथ धो के आएंगे। चल हां चल अंदर चलो, यहीं पे बैठे रहोगे बेटे। ये कहां से ले आई, मैं वहां से तोड़ के लाऊंगी भैया, इतने ना फिर ये अभी 10 मिनट के बाद खत्म है। हां बोल लो, चल फिर 10 मिनट बाद फिर ला दूंगी। वो आ गया शैतान आ गया, अब इसके मुंह से खोज लेगा वो। ये लो बेटा गंदी बातें भाई को भी, भाई को कह रही हूँ अपनी फ्रेंड गर्ल को भी देना चाहिए, गर्ल इज वेरी प्रिटी गर्ल। देख अपना देख नीचे गिर दिया, देख पा रहे उसने, अब उसके मुंह से खोज लेगा, काटता है बहुत जोर से, देखो गंदा लड़का है तो बहुत। देखो मेरे खून भी निकल लगा नहीं, पर मेरे को वो बोल रहा है मेरे को क्यों नहीं दे रहे। ये ले भैया, मुझे ऐसा लगता है मुझे साबुत डालना पड़ेगा, साबुत खाएंगे भैया, पैर में पकड़ेगा, देखियो पैर में पकड़ेगा, अपने हाथों में पकड़ के फिर खाएगा। दिक्कत नहीं होती ऐसे लटक के खाने में, फिर टेढ़े वेढ़े वो तो फिर गिर गया, अब वो उसके मुंह में है ना, देखो से लेगा उससे अभी। यार भैया ये बात सुन, ऐसा हो सकता है कटोरी में खा ले, डाल के दे दू कटोरी में, उसके स्पीड में डाल देना। हाँ मैं ऐसा कर देती हूँ, ऐसे तू वहाँ से डाल, अब देखो उससे खोज से खा पाए, दे दे पाए उसको, दे 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 पाए उसको, नहीं नहीं यहाँ से डालना बेटा, यहाँ से डाल दे नीचे से, नहीं मैंने वहाँ से डाल, एक दे दे इसको, एक टुकड़ा दे दे, तो ये पाक हो जाएगा। ये लो अब ठीक है, सारा तो गिरा रहे हो,
वेस्ट कर रहे हो आप। ये गुड गर्ल है, पहले ये गुड गर्ल है, ये बहुत समझदार सारा गिरा रहे पागल कहीं का, ऐसे थोड़ी करते बेटे। रियो दिस इज नॉट फेयर बेटी, आपसे कितनी छोटी है वो देखो, कितनी समझदार है, इसको दे पहले मेरे को दे बाबू। ये लो देखो उन्होंने पकड़ लिया ना, वेरी नाइस। फाइल ये इसे बोलते हैं लड़कियां समझदार की होती है, मान गई मैं। देखो ये से डर गई क्या है हैं? देखो अब पीछे भाग गए ना, ये नहीं काटता बेटा, हाँ नहीं काटता, देखो इनको दूंगी सम्राट के पास, चलो अपने सम्राट के पास। यार वैसे भैया मौसम देखना कितनी जल्दी चेंज हो गया ना, ठंड है, मुझे भी लग रही है ठंड। अंदर चले जा, यही से खिला दूंगी, चक भी मार लेता है बदना, बताओ तो इसके दांत भैया। तो इस वाले खजूर में ना सीडलेस हम ली थी और सीडलेस निकली नहीं, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ सारे बीज यहाँ रख देती हूँ, खजूर यहाँ रख देती हूँ। अमरूद मत दिए बेटा, नहीं अमरूद नहीं, पहले खजूर के बीज निकाल दिए, खजूर भी मतलब 10 एक दियो। अब बढ़िया लग रहा है इसको, और साथ में मीठा मीठा भी लग रहा होगा जो ऐसे खा रहा है ना, इसको निबलिंग बोलते, निबलिंग। अरे रुक जाओ मैं नीचे रखती बेटा, रुको सम्राट रुको, एक काम कर बेटा उसमें खोर में डाल दे इसका, वहाँ डाल दो, हाँ खोर में, ठीक है भैया हो गया। अपने आप से लगे उसको पता है कहाँ डाल रहे, देखना भाई ये खजूर फिर कल दे देंगे, बच्चे खा लेंगे। अच्छा सारे खा लो, खा जिसको खाने। पायल सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनती है, दो चार मैगी बनाई है पायल, बहुत टेस्टी बनती है। तो पायल गोलू को बनाने दे, नहीं मैं तड़का लगा देती पायल, तेरी मदद करूंगी जा, ठीक है टेस्टी सरसों के तेल में ही बनेगी। हाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चलो बस बहुत जगह थी, हो गया तेल, हो गया गोलू, नहीं अभी नहीं भैया अभी नहीं हुआ, अभी मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तेल में ना थोड़ा ना वो डालो नमक, नमक हाँ नमक, और फिर पानी का छिट्टा मारो, तेल की स्मेल बहुत अच्छी खबर जबरदस्त आती है, हाँ, खत्म हो जाएगी नहीं जब मुझे लगा जबरदस्त आती होगी, डालू पानी का छिटा, हाँ। नहीं पागल ऊपर आएगा सारा एक बार का सा, कौन तेरे पागल है, आग लग जाएगी, मैगी में जीरा डालते हैं, कौन डालते हैं, आग लगेगा, नहीं डालती मैगी में जीरा, नहीं डालती मैंने, नहीं मैंने आज बना दोगे मैगी, अरे भैया ऐसी मैगी मैं बनाऊंगी ना आज, हमारा पतीला ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, कढ़ाई में से तड़का बनाएंगे मैगी, उसको बनाएंगे देखती मैं, पायल थोड़ा सही करियो, कैसे करूं गैस ऑल्सो आपको कम करूं, हाँ मेरे हाथ में लग रही है, आप ना यार कैसे बनाओ उस साइड करती, मैंने प्याज थोड़ा सा प्याज रह गया, हैंड वॉश करके आई हूं, सो गाइस डोंट वरी पायल बना देगी आज। अच्छा पायल मुझे ना एक बात पूछनी है, ये बताइयो मुझे इस बात के नहीं पता, जो मिर्ची होती है वो टमाटर के साथ डालते हैं या प्याज में डालते हैं, मिर्ची हाँ हमेशा टमाटर के साथ डालते हैं। हमारा जो गाइस पतीला हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ना ये ना प्लास्टिक का है, तो थोड़ा सा ना लग रहा था कि जल वल ना जाए, तो इसलिए ये वाला जो है यहाँ पर, ये देख तो लो कितने लोग भूखे खड़े हैं, बनाओगे हम लोग इसे इंतजार में ही है अभी तक, अरे थोड़ी देर में दो मिनट, नीचे कौन सा डालते हैं बेटा, गैस के ऊपर हर कोई बनाते हैं, मैं बिना गैस के मैगी बना सकती हूँ, जादू ही मैगी है, थोड़ा सा नमक और डाल दो, जहाँ 2 मिनट लगते हैं ना मैगी को, यहाँ पे 20-1 मिनट तो लगेंगे, चूल्हा है ना, भूख लगी है, भूख लगी पर सोने वाला यार, हम मेरे को भी लग रहा है खास, हमने आज प्रोटीन पिया हुआ है, हाँ। नहीं मैंने चीकू के टाइम पे नाश्ता किया था, सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, पानी बहुत मैंने भी किया था, मैंने सैंडविच बनाए थे, उसके बाद मैंने खाया प्रोटीन पिया है, उसके बाद मैंने मौसमी का जूस कीवी और अब मैगी खाई, और मैंने सिर्फ प्रोटीन, नो कीवी नो जूस, वो देख वो कह रहा है उसके मत मार गोलू के, मत मार गोलू मेरे दोस्त है, मैगी नहीं होगी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, नहीं पता क्या बनने वाला है, बीरबल की खिचड़ी सुबह आए थे शाम हो गई है, मैगी बन रही है और मैगी नहीं बन के दे रही, आधा घंटा हो गया मैगी, ये 2 घंटे वाली मैगी कम थी, यहाँ पे 3 पैकेट थी और मैगी मंगाई है रास्ते से, और वो मैगी तो देख लो कहाँ घूम रही है, मैगी खुश है अपना आज, मैगी सारा मैगी खराब कर दिया तुझे हमारा, किसने डलवाया है, क्या डलवाया मैंने, पानी पानी मत डालो, पानी ज्यादा लग रहा है मेरे को, जल गई सारी नीचे से, आज खाने में क्या है मामा, जो तुम कहो मेरी ड्रामा, पिछले 1 घंटे से मैगी नहीं बन रही मामा, तू बना रही थी इसलिए नहीं बनी मामा, ज्यादा नहीं बोलना फालतू, चलो बन गई मैगी, वाओ मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा, क्या बोलते हैं मेरी डाइटिंग चल रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ, डाइटिंग जॉगिंग बोल निकालो भैया आप, ले 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 ओहो क्या बात है, पूरा 1 घंटा बन गई,
आ जाओ भाई प्रसाद दा जी। लो भाई तो चम्मच कितने है? बस मैं जा रही हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं खत्म करा रही। आप भी आ जाइए फार्म में। तो राहुल भैया खाओ लो, आ जाओ, आपकी एनिवर्सरी है, आपको मेरी तरफ से हैप्पी मैगी डे। लो भैया खाओ, नहीं देते हैं सबको, बड़ा भाभी को दो, भाभी को भाभी दबा दो। खाना लग रही है, कैसी बनी? बहुत टेस्टी बनी, भूख लग रही। मैंने कहा भैया सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, भूख नहीं लगेगी? बताओ, इस मैगी में सबका हाथ है, ये मैगी ने फेल कर दिया पहाड़ों की मैगी को। भाभी आपके लिए मेरी बची है, बहुत सारी है, तुझे चाहिए क्या चम्मच? ना ना मेरे पास है। जो लास्ट में खाता है ना वो हमेशा फायदे में रहता है। लो मैं दे दूंगी, पेट में दर्द करा हो जाएगा, आप मेरा खा रहे हो आपके पेट में दर्द होगा, उसमें से नहीं लेनी। चलो मेरा नंबर आ गया भाई, सबसे ज्यादा उधर तो दिखा, तुझे शर्म नहीं है? मेरे को भाई सच में शर्म नहीं है, बताऊं क्यों? मैंने सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, मैंने इतना, मेरे को भैया सच में को ना अजीब बोली थी। बड़ी बहन खा रही है, छोटी बहन कुर्सी बैठी है, अब वो खा ले तू, आ जा चल बैठ जा, तू मजाक कर रही हूं मैं, बैठ जा। ठीक है कालू भैया, पहले जब मैं आई कर रहा था ना, ये गुस्सा कर रहा था, अब प्यार कर रहा है, अब देखो अब धनिया खाएगा। हाँ आपका फेवरेट है धनिया, हम तोड़ रहे हैं। वो बोल रहा है उससे प्यार क्यों कर रहे हो? ओ भाई बटन ना तोड़, बटन ना तोड़। चलो अब इनको अंदर रख देती हूं। हाँ अंदर कर दो, चलो देख ऊपर चढ़ गया अब। हाँ बेटा नीचे जाओ, अंदर सेठ। अरे बैठाओ भाई, ऊपर आएगा गोलू सीट पहल। वो देख वो देख, रियो सीट सीट लग जाएगी भाई, पंखे पंखे हैं यहाँ पर, पकड़ो इसको। तो गाइस सारे जितने डॉग्स थे हमने जिनको खाना खिलाया ना उनको सबको अंदर ले लिया है, क्योंकि बाहर ठंड शुरू हो गई है। और जो हमारी दरिया रियो वगैरह वो सब अंदर है रूम में, तो ये इनका सबका कंबल भी अलग से है। तो अब ठंड के टाइम पे ना, अब मैं शायद कल या परसों जाऊंगी और इनके लिए मोटे मोटे कंबल भी लेके आ रहा हूं। बाय एवरीवन, बाय, कल मिलेंगे। बस गाइस अब हमें खाना वाना खिला के, सबको मैगी खिला के, केक कटवा के अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि जो है ना बच्चे भी घर पे वेट कर रहे हैं, और जाके शावर भी लेना है क्योंकि बिना नहाए तो ही निकल आए थे हम। तो गाइस फार्म से आने के बाद ना इतना ज्यादा थक चुके थे ना, सबसे पहले आते हम लोगों ने शावर लिया, मैंने और पायल ने दोनों ने। तो बस अभी 10-15 मिनट रेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ जिम करने, क्योंकि बहुत टाइम से ना मेरा जो जिम का रूटीन है ना वो इतना ज्यादा डिले हो चुका था ना, बट आज डिले बिल्कुल नहीं करना। तो बस अभी रेडी होंगे जिम के लिए, और यहाँ पे तीनों बच्चे आराम से खेल रहे हैं। बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोगों को एक बात और याद दिला देती हूँ कि 15 नवंबर को हम लोग कर रहे हैं मीटअप तुलसी फार्म पर 4 बजे। जो जितने भी लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं सब आइए 15 नवंबर को, मैं पायल हमारी पूरी फैमिली मिलेंगी और बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।